आपने यहां पे टेबल पर अखरोट रखा, काजू रखा, किशमिश रखा, मगर ये सोपोर का सेब नहीं रखा आपने। और मामला इसी का है, मेन मामला इसी का है। इस सेब को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, अमेरिका में पहुंचाना है, जापान में पहुंचाना है, चाइना में पहुंचाना है। ये आप लोगों की मेहनत है, इसमें सुपौर की जनता की मेहनत है और इसी में आपका भविष्य है। और मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, मगर ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में पहुंचे। आजकल अमेरिकन सेब हमारे देश में खाया जाता है, मैं चाहता हूं कि ये सेब अमेरिका में खाया जाए। जब भी सेब खाया जाए, लोग कहें कि हां भैया ये सोपोर का सेब जम्मू कश्मीर से आया है। सबसे पहली बात, शायद सबसे जरूरी बात, आपकी स्टेटहुड की है। बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, यह हुआ है। स्टेट्स को बांटा भी गया है, एक स्टेट को दो भागों में बांट दिया गया है। आंध्र प्रदेश हुआ करता था, उसमें से तेलंगाना बनाया। बिहार हुआ करता था, बिहार और झारखंड बने। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बनाया गया। मगर पहली बार इतिहास में, हिस्ट्री में, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। और यह शर्म की बात है, यह हिंदुस्तान में कभी पहले नहीं हुआ है। पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया है कि भैया आप स्टेट नहीं हो, आप यूनियन टेरिटरी हो। आपको चीफ मिनिस्टर नहीं चलाएगा, एमएलए नहीं चलाएंगे, आपको बाहर के लोग, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको आपका स्टेटहुड वापस दिया जाए। और जम्मू कश्मीर के सब लोग ये चाहते हैं, सब लोग ये चाहते थे कि स्टेटहुड हमें पहले वापस मिले और उसके बाद चुनाव हो। नहीं हुआ, ठीक है, पहला कदम चुनाव है, मगर इसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेटहुड नहीं देंगे तो इंडिया गठबंधन उन पर पूरा दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, पार्लियामेंट में प्रेशर डालेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दो। और अगर इन्होंने नहीं किया तो जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आएगी, हम आपको आपका स्टेटहुड दे देंगे। अगर इस सेब को अमेरिका में, जापान में पहुंचाना है तो पहला कदम आपको स्टेटहुड देना है, उसके बिना नहीं हो सकता।